आतिक और उसके भाई अशरफ की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों को तब सरेआम गोलियां मारी गई जब उन्हें पुलिस अस्पताल ले जा रही थी। आतिक अशरफ मर्डर के तीनों आरोपियों को पुलिस ने घटनास्थल पर ही पकड़ लिया था। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतिक अहमद और अशरफ के शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि वो तीनों लॉरेंस बिश्नोई से बहुत प्रभावित थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग सनी सी ने की थी। सनी सी ने टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा था। उन्होंने प्लान किया कि सिद्धू मूसेवाला की तरह उन्हें भी किसी बड़े नाम वाले का मर्डर करना है। लॉरेंस की हिंदुत्व वाली बातों से भी प्रभावित था। पूछताछ में पता चला कि तीनों शातिर अपराधियों में सनी सी सबसे खतरनाक है। सनी सिंह पर दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वही था जो बाकी दोनों आरोपियों को अपने साथ लाया था। आतिक अशरफ मर्डर केस के आरोपियों से पूछताछ रविवार को हुई थी। अभी तीनों प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।